हम लोग हमेशा सुनते आ रहे हैं ट्रेंड इज योर फ्रेंड, और हमें ये सिखाया गया कि हमेशा ट्रेंड को फॉलो करो, अगेंस्ट द ट्रेंड ट्रेड मत करो। या फिर हम लोग प्राउडली भी बोलते हैं कि आई एम ए ट्रेंड फॉलोअर, और हमें सिखाया गया कि ट्रेंड ही सब कुछ है मार्केट में, ट्रेंड के साथ रहो, ट्रेंड मतलब ट्रेंड पकड़ो, सब कुछ ऐसा हम लोग को सिखाया। पर ट्रेंड फॉलोइंग बाकी में प्रॉफिटेबल है क्या? हमें ट्रेंड फॉलो करना चाहिए? अगर करना भी चाहिए तो किस किस को ट्रेंड फॉलो करना चाहिए, किसको नहीं? अगर आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर हो तो आपको क्या ट्रेंड फॉलो करना चाहिए? आप एक बिगिनर हो तो क्या आपको ट्रेंड फॉलो करना चाहिए? ये सारे जवाब इस वीडियो में मिलेगा। और अगर आपको ट्रेंड फॉलो करना है तो क्या प्रॉब्लम्स आ सकते हैं, और उससे हम लोग कैसे उससे बचे, ये सब चीज़ इस वीडियो में पूरा कंप्लीट आपको मिलेगा। और आप इस वीडियो देखने के बाद आपका दिमाग हिल जाएगा और आपको पता चलेगा कि हाँ चलो ठीक है, ये भी कुछ है कि ये भी सीखना ज़रूरी है। तो इसलिए इस वीडियो को आखिर तक देखो। आखिर में मैं दो प्रो टिप्स भी दूंगा जिससे आपको और भी बेहतर जानने को मौका मिलेगा, आपको बेहतर सीखने को मौका मिलेगा। आप पता कर सकते हो कि अब मुझे क्या करना है, नहीं करना है, वो आपको पता चलेगा। वीडियो को स्टार्ट करते पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे 9 जो मेजर प्रॉब्लम है ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम। नंबर वन प्रॉब्लम है टू मेनी सिमिलर सिस्टम्स। आपको अलग अलग ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में एक ही तरह का सिग्नल्स मिलेंगे। तो ये आप कुछ भी कर लो, आप इंडिकेटर बेस कर लो, आप प्राइस एक्शन बेस कर लो। इंडिकेटर में जैसे मूविंग एवरेज हो गया, बोलिंजर बैंड हो गया, एमएसडी हो गया, सुपर ट्रेंड हो गया, ये सब आपका ट्रेंड फॉलो करने के लिए होते हैं। तो अगर आप ये भी यूज करो या फिर प्राइस एक्शन भी यूज करो, आपका सिमिलर सिग्नल से। नंबर टू प्रॉब्लम व्हिप शॉट्स। आपको ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम बड़ा बड़ा ट्रेंड तो आपको दे देगा, ये मैं मान लेता हूँ, इसलिए आप लोगों को पता नहीं चल रहा है, इसलिए आप शायद ट्रेंड फॉलो करो। जब आप लोग बस एक ही मार्केट साइकिल देखो, जो जो लोग नए आए हैं तो उन लोगों को पता नहीं है कि मार्केट में बहुत कुछ होता है। मार्केट एक एक साल तक साइडवेज रहता है, मार्केट मतलब बहुत गिरता है, या फिर मार्केट में बियर मार्केट भी आता है या साइडवेज मार्केट रहता है, अलग कोई नहीं देखा। अभी जो मार्केट चल रहा है 2020 से ट्रेंडिंग ही चल रहा है। तो आपको मेजर ट्रेंड तो मिल जाएगा आपको ट्रेंड फॉलोइंग में, लेकिन इसमें भी आपको बहुत सारा फॉल्स एंट्री भी मिलता है, जो आपको मतलब स्टॉप लॉस हिट कराते हैं, बहुत ज़्यादा होता है वो। तो आपको वो मिलेंगे, अभी नहीं मिल रहा लेकिन वो मिलेंगे। इसलिए इस वीडियो को सेव करके रखना, ये जब मार्केट का साइकिल चेंज होगा तब इस वीडियो को आपको याद आएगी, तो आप तब वो ये वीडियो देखें। नंबर थ्री प्रॉब्लम टेंडेंसी ऑफ ए स्लो सिस्टम्स टू सरेंडर ए लार्ज परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स। इसका मतलब क्या है? जो आपका मतलब हालांकि देखा गया कि जो स्लो सिस्टम होता है ट्रेंड फॉलोइंग में, वो अच्छा काम करता है, लेकिन इसका एक ड्रॉबैक ये है कि आपको बहुत पोर्शन प्रॉफिट का छोड़ना पड़ता है। मान लो आपका 10,000 का प्रॉफिट चल रहा होता है तो आपको 4,000 छोड़ना पड़ता है, क्योंकि वो सिस्टम आपको तब बोलेगा कि नहीं अभी ट्रेंड शायद चेंज हो चुका है, तो आपका 4,000 का प्रॉफिट चला जाएगा। तो इसलिए स्लो सिस्टम जो होता है वो अच्छा काम करता है, लेकिन आपको बहुत बड़ा ड्रॉबैक है इसमें। प्रॉब्लम नंबर चार इनएबिलिटी टू मेक मनी इन रेंजिंग मार्केट्स। ये जो आपको मैंने अभी जस्ट कहा है कि जब रेंज मार्केट आएगा ना, आपको पैसा नहीं बनेंगे, आपका स्टॉप लॉसेस कंटिन्यूसली हिट होंगे, आपका ट्रेड तो मिलेंगे, कुछ कुछ ट्रेड आपको फॉल्स, बहुत ज़्यादा फॉल्स ट्रेड मिलेंगे आपको रेंजिंग मार्केट्स में, और आपका फ्रिक्वेंटली स्टॉप लॉस हिट होंगे। तो इसलिए ये ट्रेंड फॉलोइंग हमेशा लोग बोलते हैं ट्रेंड फॉलो करना, तो इसलिए इसे आप जान लो कि कब आपको क्या करना है, नहीं करना है। इसलिए प्रॉब्लम नंबर फाइव टेम्पररी लार्ज लॉसेस। एक बहुत बढ़िया ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में भी आपको एक ड्रॉडाउन फेज दिखा सकता है, बहुत लंबा या फिर बहुत बड़ा ड्रॉडाउन फेज आपको दिखा सकता है। लेकिन अगर आप ट्रेंड फॉलो करते हो, अगर आप बिगिनर हो तो सोचो आपका ड्रॉडाउन फेज अगर बहुत पहले ही बहुत बड़ा आ गया, देन आप उससे रिकवर कैसे करोगे? आपका बस वो रहे माइंडसेट रहेगा रिकवरी का। जब भी आपका माइंडसेट रिकवरी का हो जाएगा, आप कभी भी स्टॉक मार्केट में नहीं रह सकते। जो ट्रेडर प्रॉफिटेबल है, बहुत दिनों से ट्रेड कर रहा है, प्रॉफिट में है, अभी उसका प्रॉफिट कुशंस है बहुत सारा, वो ट्रेडर ये ड्रॉडाउन फेज में उसको इतना टेंशन वाली बात नहीं, वो आराम से उसको झेल सकता है। लेकिन अगर आप ये बिगिनर हो और आपको ट्रेंड फॉलोइंग में आपको स्टार्टिंग में आपको ड्रॉडाउन मिल गया, तो दैट विल बी डिजास्टर फॉर यू, और आप कभी ट्रेडर नहीं बन सकते। तो इसलिए ट्रेंड फॉलो जो करना है, इसको आप पहले सीखो अच्छे से कि ट्रेंड फॉलो करने से क्या क्या होता है। आप लोगों को पता ही नहीं होता है कि इसमें प्रोस क्या है, कौन सा है, इसका सही कैसे सही तरीके से कैसे यूज़ करें, इसको इसका कब यूज़ करना है, कब नहीं, और भी कुछ है जो इसमें आप ऐड कर सकते हो, तब आप इसको अच्छे से यूज़ कर सकते हो। प्रॉब्लम नंबर सिक्स एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी इन बेस्ट परफॉर्मिंग सिस्टम। आपका जो सिस्टम जो सबसे अच्छा काम करता है, उसमें अक्सर देखा गया है कि वो बहुत ज़्यादा रिट्रेस करता है, वो बहुत ज़्यादा शार्प फॉल करता है। मतलब आप मान लो कि एक मतलब आपका जो सिस्टम है वो अगर उस सिस्टम में जो बेस्ट सिस्टम होता है, वो सिस्टम क्या होता है, आपको रिट्रेसमेंट बहुत शार्प देता है। तो उस रिट्रेसमेंट में कभी कभी क्या होता है, आपका स्टॉप लॉसेस जो आपका था वो भी मतलब नीचे आ जाता है, आपका स्टॉप लॉस अगर सिस्टम नहीं लगाया तो आपका उस नीचे आ जाता है, और आपको अनएक्सेप्टेबल जो रिस्क होता है वो आपका रहता है, जो आप नहीं चाहते थे कि ये रिस्क आपको
लेना पड़ रहा है, क्योंकि वो ज्यादा वॉलेटाइल होता है वो सिस्टम, क्योंकि जो अच्छा सिस्टम होता है वो वॉलेटाइल ज्यादा होता है। प्रॉब्लम नंबर 7, सिस्टम्स दैट वर्क वेल इन टेस्टिंग बट देन फ्लॉप। मतलब कोई भी सिस्टम आप जो टेस्ट करते हो, लाइक प्रीवियसली ना जो हम लोग बोलते हैं कि हम लोग बैक टेस्ट के जो भी के, अगर आप कुछ भी सिस्टम को बैक टेस्ट करोगे खाली, और उसमें अगर कम कम क्वांटिटी से फॉरवर्ड टेस्ट नहीं करोगे, तो आपका आप ये मतलब आपके लिए बहुत बड़ा एक डिजास्टर है, क्योंकि आप इससे कभी उभर नहीं सकते, क्योंकि आप बैक टेस्ट में बहुत बिलीव करते हो। बैक टेस्ट ठीक है, बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करने का उसमें आप मान लो आप जो भी बैक टेस्ट किए थे उसमें आप स्मॉल स्मॉल क्वांटिटी में फॉरवर्ड टेस्ट करो बहुत दिनों तक, तब अगर आपको रिजल्ट मिलता है तब आपका होगा। जैसे कि अभी मान लो, मैं इसे जस्ट एग्जाम्पल दे रहा, अभी मान लो कोई स्ट्रेडल एंड स्ट्रेंगल करता है, जैसे बैंक निफ्टी पिछले कुछ दिनों से बहुत मतलब ऐसा मूव कर रहा है, नीचे जाता है ऊपर जाता है, एंड ऑफ द डे क्लोजिंग वहीं पर होता है। कोई अगर बैक टेस्ट कर रहा होगा मान लो, तो बैक टेस्ट में क्या देखेगा कि हाँ स्ट्रेंगल करता तो प्रॉफिट होता, स्ट्रेडल करता तो प्रॉफिट होता, ऐसा होता है ना, शॉर्ट स्ट्रेडल या शॉर्ट स्ट्रेंगल करता तो प्रॉफिट होगा। लेकिन जब वो रियल लाइफ में ट्रेड करेगा तब वो क्या देखेंगे कि अरे ऐसा भी होता है क्या, उसमें तो प्रैक्टिस में तो प्रॉफिट दिखा रहा था, प्रॉफिट दिखाएगा, लेकिन पहले आपका जो पूरा एंड ऑफ द डे आपको प्रॉफिट दिखाएगा, लेकिन सारा दिन जो आप मान लो आपका मैक्सिमम स्टॉप लॉस था 3,000 रुपये, वो 6,000 तक लॉस चला गया, देन आके आपका 3,000 का प्रॉफिट हुआ। तो ऐसा आपको देखना पड़ेगा, बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट के बाद फॉरवर्ड टेस्ट करो विथ स्मॉल क्वांटिटी, देन आपको वो पता चलेगा। प्रॉब्लम नंबर 8, पैरामीटर शिफ्ट। ये बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, जब आपका आपका भी वो फेज नहीं आया होगा या फिर किसी किसी का आया होगा मुझे नहीं पता, जब आपका जो रेंजिंग मार्केट्स आएगा आपको, या फिर कुछ फ्रीक्वेंटली लॉसेस होंगे, रिट्रेसमेंट्स होंगे, आपके ड्रॉडाउन होंगे, तब आप पैरामीटर शिफ्ट के पीछे भागोगे कि कौन सा पैरामीटर बेस्ट है, मैं 50 डे मूविंग एवरेज यूज़ करूँ या 20 डे मूविंग एवरेज यूज़ करूँ, मैं या फलाना ढिमकाना यूज़ करूँ ये वाला यूज़ करूँ, मैं डाउ थ्योरी मानूँ या फिर मैं फिबोनाची यूज़ करूँ, कुछ भी, मतलब जस्ट मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ कुछ भी, तब हमेशा बस पीछे भागोगे कि किसके पीछे मैं जाऊँ, ऐसा करते हो तो आपका ड्रॉडाउन और बड़ा हो जाएगा और ऐसे इट विल गो ऑन एंड ऑन। प्रॉब्लम नंबर 9, स्लिपेज। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हर ट्रेडिंग में, ठीक है, बस इसमें नहीं है, हर तरह की ट्रेडिंग में प्रॉब्लम है। क्या होता है, आप स्लिपेजेस जो होते हैं, मतलब आपका कुछ भी कॉस्टिंग जो लगता है, मान लो आप 1 लाख का स्विंग ट्रेड करते हो, पोजिशन ट्रेड करते हो, आपको पता है आपका 0.25% आपका STT सब चार्जेस में लग जाता है। अगर आप 1 लाख से बाय एंड सेल कर रहे हो, मतलब 1 लाख बाय किया 1 लाख सेल कर रहे हो डिलीवरी में, जिसका ब्रोकर चार्ज नहीं है, फिर भी आपका 0.25% आपका चार्जेस लगते हैं। तो दो मतलब 1 लाख में 0.25% चार्ज कितना होगा, 250 रुपये। तो आप 1 लाख का बेचो खरीदो दोनों मिला के आपका 250 रुपये चार्ज लगने वाला है। तो आप सोचो अगर आपका ये सब आप हिसाब नहीं करोगे तो पेपर में तो दिखेगा, जब आप टेस्ट करोगे पेपर में दिखेगा अरे मेरा तो प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन आप वो स्लिपेजेस काउंट नहीं करोगे तो तब आप वहाँ पर फंस जाते हो कि अरे मेरा तो प्रॉफिट हो रहा था बट यहाँ पर तो मेरा लॉस हो रहा है। और जब आप देखोगे कि मैं तो ग्रीन में था लेकिन मेरा लॉस क्यों, ये तो था 9 मेजर प्रॉब्लम्स ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम में। प्रॉब्लम्स हम लोग देख चुके हैं, तो अब इससे बचने का उपाय क्या है, इससे बचने का 3 उपाय है जो हम लोग डिस्कस करेंगे, और 2 मैं आपको बाद में बताऊंगा एकदम लास्ट में कि 2 और चीज़ है जो आप कर सकते हो जिससे आपका सोल्यूशन दूंगा, जिससे आप अपने ट्रेडिंग को और बेहतर कर सकते हो और एकदम प्रो ट्रेडर बन सकते हो। और ये दोनों आगे आपको अच्छे से करना तो आपका ट्रेंड फॉलोइंग भी हो जाएगा और आप ऐसा अच्छे से कर पाओगे उस चीज़ को। तो वीडियो को आखिर तक देखना, एकदम लास्ट तक देखना वीडियो। तो आगे बढ़ते सॉल्यूशन की तरफ। सॉल्यूशन नंबर 1 है पेनेट्रेशन। पेनेट्रेशन है मतलब आपका जो ब्रेकआउट लेवल है उसके ऊपर एक स्टॉक गया, मान लो एक स्टॉक गया 100 रुपये का, वो ब्रेकआउट लेवल था एग्जाम्पल, तो उसके ऊपर गया तो आप तभी बाय मत करो, आप उसको एक सर्टेन लेवल का वेट करो। मान लो 100 रुपये में गया तो उसका वेट करो कि जो भी आपका वो आपके हिसाब से 2% रखो, 3% रखो, परसेंटेज वाइज रखो, ये ज़्यादा अमाउंट वाइज मत रखो, परसेंटेज वाइज ज़्यादा रखो, ये ज़्यादा अच्छा होता है। तो आप मान लो कि 2% मेरा आपका रहेगा, ठीक है, आपका आपने 2% रखा तो 102 के ऊपर अगर जो ट्रेड करना स्टार्ट करेगा, 100 के ऊपर ब्रेकआउट था लेकिन आप 2% कुशन दे रहे हो कि तू जा, तो मुझे कंफर्म बता कि तू ऊपर जाएगा कि नहीं। तो अगर जाना होगा तो 102 भी क्रॉस करेगा ना, तो आप उसे कंफर्म दे रहे हो, ऐसा नहीं कि लोगों का स्टॉप लॉस हिट करा कि 101 से वो रिट्रेस आ गया, तो आप इसलिए वो 2% होगा कि स्टॉप लॉस हिट करा, तू जिसका हिट करा ना, अगर तू जाना होगा 102 के ऊपर भी तू जाएगा, 120 भी जाएगा, 150 भी जाएगा, तो आपको 2 रुपये उसको देना है कि तू जा, 2% मतलब जो भी आपको देना है 2% 3% रखो। तो वो पेनेट्रेशन वो एक रखो कि 100 के ऊपर तो है ब्रेकआउट लेकिन मैं 103 का वेट करूंगा, 102 का वेट करूंगा, 102 जाते ही मैं उसमें घुसूंगा ट्रेड में, तो ऐसा आप कर सकते हो। सॉल्यूशन नंबर 2, टाइम डिले।
ये उस तरह की पेनिट्रेशन की तरह ही, इसमें आप टाइम दोगे कि 100 के ऊपर तो कितना टाइम रहता है आपको, आपका आपके हिसाब से ट्रेड करोगे। आप मान लो कि आपने आपको 6 महीने के लिए इसमें घुसना है, आप देख रहे हो अच्छा चार्ट देख रहे हो, आपको 6 महीने के लिए घुसना है, तो आप उसको दो कि तू 1 हफ्ता बाद तो रहे वहां पर इसके ऊपर, देन मैं घुसूंगा, या फिर 5 दिन रहे, 3 दिन रहे, 3 ट्रेडिंग सेशन रहे, 4 ट्रेडिंग सेशन रहे, आपके 100 रुपए का आपका ब्रेकआउट लेवल था, तो उसके ऊपर आप वेट करो, आपका कुछ सर्टेन बना लो कि हाँ 3 दिन के लिए रहेगा, 2 दिन के लिए रहेगा। अगर आप स्विंग कर रहे हो, आप BTST करो, तो आप देखो कि आधा घंटा रहता है क्या, 15 मिनट रहता है, जो भी आपका मतलब जैसा आपका ट्रेडिंग हो उस हिसाब से आप उसको रखोगे। तो टाइम डिले, ये आप उसको टाइम दोगे कि हाँ तो रहे, अगर उसको स्टॉप लॉस हिट करना होगा लोगों का, देन रिट्रेस करना होगा, फिर रिवर्स करना होगा, देन वो तुरंत कर देगा ना, तो आप इतना वेट नहीं करो, तो वो आप टाइम दोगे कि हाँ ये स्टॉप लॉस हंटिंग नहीं है, लाइक ये अभी जेन्युइनली जाने वाला है, देन आप उसमें घुसे। तो ऐसा नहीं है कि जेन्युइन है, मतलब ये 100% काम करेगा, देखो हर चीज 100% नहीं है, आपको ये बचाएगा, बहुत फॉल्स ट्रेड से बचाएगा आपका। अगर पहले आपका 100 ट्रेड्स में स्टॉप लॉस होता था, इसमें आपका 10-15 ट्रेड आ जाएगा स्टॉप लॉस में, एकदम 80-90% रिड्यूस हो जाएगा। सोल्यूशन नंबर 3 है पैटर्न, ये मेरा फेवरेट है, मैं मतलब तीनों मेरा फेवरेट है, बट ये मेरा सबसे फेवरेट है। मतलब पैटर्न मतलब क्या होता है, जो आपका ब्रेकआउट लेवल है 100 के ऊपर, आप उसको कुछ पैटर्न, आपका जो फेवरेट पैटर्न कुछ भी हो सकता है, फ्लैग एंड पोल हो सकता है, रेंज ब्रेकआउट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, आप उसके ऊपर आप अभी उसको पैटर्न ढूंढोगे, 100 के ऊपर पैटर्न ढूंढोगे, 100 के ऊपर अगर कुछ पैटर्न बना रहा है, 100 ऊपर देखो आप बुलिश एनगल्फिंग बना रहा है क्या, या मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, कुछ भी आपका जो फेवरेट कुछ है तो पैटर्न बना रहा है किसके ऊपर, 100 के ऊपर, 100 के ऊपर मान लो 105 तक गया या फिर 110 तक गया, देन रिट्रेस करके वो कुछ पैटर्न बना रहा है ना, कुछ पैटर्न बना रहा है, या फिर मॉर्निंग स्टार पैटर्न बना, कुछ पैटर्न बना रहा है, या देन आप उस टाइम उस ट्रेड में घुस सकते हो, तब आपको कन्फर्म हो जाएगा कि हाँ ये बुलिश है, ये ब्रेकआउट कन्फर्म। बेरिश में भी सेम है वो, आप उस इस तरह से आप कंफर्म कर सकते हो। हम लोग ने सॉल्यूशंस भी देख लिए, लेकिन आप आपको मैंने वादा किया था कि दो में कुछ बताऊंगा, आपको सॉल्यूशंस दूंगा और अच्छा, जिससे आप अपने ट्रेडिंग और बेहतर कर सकते हो और अच्छे से आप इसको ले सकते हो। तो देखो नंबर 1 है रिट्रेसमेंट, आपको अगर रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग आ गया ना, रिट्रेसमेंट की आप मान लो स्टॉक आप जाने दो, उसे कंफर्म जाने दो, 120 जाता है, 30 जाता है, 50 जाता है, जाने दो एक टाइम के लिए जाने दो, देन वो रिट्रेस जब करेगा आप अगर उसमें घुस सकते हो, सबसे बेस्ट है वो। अगर आपको रिट्रेसमेंट आता है, रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग आता है, तो क्या होता है कि मान लो आप देखो अभी स्टॉक क्या रिट्रेस किया, हाँ तो उसमें तो कन्फर्म है अभी नए बायर्स आएंगे, सब कुछ सब कोई इसमें घुसेगा, देन वो कन्फर्म ट्रेड हो जाएगा। लेकिन ये सीखना पड़ेगा, क्यों, रिट्रेसमेंट कभी कभी वो ट्रेंड ही चेंज हो जाता है, तो आपको पता होना पड़ेगा कि रिट्रेस हो रहा है या फिर ट्रेंड ही चेंज हो रहा है। अगर आपको रिट्रेसमेंट के ऊपर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा कि आप कैसे रिट्रेसमेंट पकड़ सकते हो और रिट्रेसमेंट कैसे ट्रेड करते हैं, तो मैं अब रिट्रेसमेंट ट्रेडिंग आपको सिखा दूंगा। नंबर 2 है जो मैं बताने वाला हूँ, नंबर 2 है रिवर्सल्स। अगर आपको रिवर्सल्स ट्रेडिंग आ गया तो अब आप सब कुछ कर सकते हो, जैसे कि अब रिवर्सल मान लो देखो, अगर आपको जो लार्ज पोर्शन ऑफ प्रॉफिट छोड़ना पड़ता है वो भी नहीं पड़ेगा, कि आप टॉप में समझ जाओगे कि ये स्टॉक घूमने वाला है या फिर घूम सकता है, आपका एक पॉसिबिलिटीज आ गया, देन आप अपना प्रॉफिट बुक करो, आप एकदम स्मॉल क्वांटिटी आपका प्रॉफिट का हिस्सा दोगे मार्केट को, देन आप उससे निकल सकते हो। इसमें आपका और भी है कि आप जैसे कि एक तो प्रॉफिट आपका कम देना पड़ेगा, फिर आप मान लो मार्केट क्रैश किया, देन आप बॉटम में मार्केट को एक समझ सकते हो कि हाँ मार्केट ऐसे रिवर्स होने वाला है, या फिर जो आपको बोला था ब्रेकआउट का वो वेट नहीं करना पड़ेगा, आपका ट्रेंड फॉलो करते हुए आपका ब्रेकआउट का वेट नहीं करना पड़ेगा, आप पहले समझ सकते हो कि हाँ इस स्टॉक में दम है या फिर ये रिवर्स हो सकता है, अभी यहाँ से रिवर्स हो रहा है, आपको ट्रेंड फॉलो में क्या करते हो सर्टेन लेवल को ब्रेक करने देते हो, कुछ ब्रेक करने देते हो, देन आप उसमें क्या आप नीचे समझ सकते हो कि हाँ ये शायद ऊपर जाएगा और आप उसको रिवर्सल पकड़ सकते हो। मैं तो हमेशा मेरा फेवरेट रिवर्सल ट्रेडिंग है, मैं रिवर्सल ट्रेडिंग ही करता हूँ मोस्टली। अगर आपको भी रिवर्सल ट्रेडिंग के ऊपर वीडियो चाहिए देन आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं रिवर्सल ट्रेडिंग के ऊपर पूरा वीडियो बना दूंगा, हो सके तो 3-4 वीडियो बनाकर आपको ए टू जेड सिखाने की कोशिश करूंगा। ये आपको मैं ओवरनाइट नहीं सीखोगे, आप धीरे 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 सीखोगे ये सब चीज़। अगर इस तरह के नॉलेजेबल कॉन्टेंट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक करो इस वीडियो को, और जो लोग ट्रेडिंग करते हैं या फिर जो आप जानते हो कि वो ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो उनको ये वीडियो शेयर, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर कुछ भी डाउट हो देन कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, शुक्रिया और अपना ख्याल रखना।